आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो भी छात्र 2023 में पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का फॉर्म भरे थे उन सभी का रैंक कार्ड को जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है becboard.bihar.gov.in। इस पर आपको आना है और आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर बिहार का जो भी छात्र चाहे ITI का दिया हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक का यदि एग्जाम दिया हो, या फिर बिहार लेटर एंट्री से पॉलिटेक्निक का 2 साल वाला फॉर्म को फिलअप किया हो, तो उन सभी का रिजल्ट को जारी कर दिया गया। और साथ ही यहाँ पर ITI का रिजल्ट का काउंसलिंग भी होना शुरू हो चुका है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सभी पर एक विश्लेषण करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है रैंक कार्ड ऑफ DEC PEPM 2023। उसके बाद देखे बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर बोला कि रैंक कार्ड ऑफ ITI कैट इनका मतलब ITI का भी रैंक कार्ड को जारी कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर रैंक कार्ड ऑफ DECLE मतलब जो भी छात्र बिहार में पारा में अति पॉलिटेक्निक लेटर एंट्री से फॉर्म भरे तो उनका भी जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जो कि ये 2 साल का कोर्स होता है, ये जो है कि 3 साल का कोर्स होता है बिहार का, ठीक है, पॉलिटेक्निक का। तो चलिए मैं फिलहाल ओवरऑल मैं बिहार पॉलिटेक्निक पर बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड आप अपना कैसे रैंक कार्ड को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लिंक बता दें कि ITI जो भी छात्र थे उनका जो से काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल, ठीक है, तो वो जाकर के अपना सा काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ITI का काउंसलिंग भी स्टार्ट है। यहाँ से आप अपना ITI का सीट भी देख सकते हैं कि किस जिले में आपका कितना ट्रेड वाइज में सीट खाली है, यहाँ पर यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं रैंक कार्ड जारी करने वाला हूँ, बिहार पॉलिटेक्निक का देखने वाला हूँ। तो मेरे पास एक छात्र का जो है कि एडमिट कार्ड है, तो मैं इनका देखने वाला हूँ, इनका रिजल्ट देखने वाला हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है, रैंक कार्ड ऑफ DEC PEPM, ठीक है, 2023। मैं यहाँ पर साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रैंक कार्ड ऑफ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग PE, ठीक है, रैंक कार्ड ऑफ पारा मेडिकल इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, PM, यानी रैंक कार्ड ऑफ पारा मेडिकल यानी PE मैट्रिक लेवल PPM, मतलब कहने का मतलब कि जो भी छात्र सके 12th के दौरान पैरामेडिकल का फॉर्म भरे हैं उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जो 10वीं लेवल पर फॉर्म भरे थे उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया है, जो बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म भरे तो उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो मेरे पास एक छात्र का एडमिट कार्ड है जो कि इनका ग्रुप कोर्स ग्रुप है PM मतलब पैरामेडिकल है, तो इसमें क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद उस छात्र का आप अपना रोल नंबर डालेंगे, जो भी छात्र हैं वो आप अपना रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद आपको उनका जो भी है उनका जन्म तिथि को डालना है, डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको सिंपल सा शो रैंक कार्ड पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर शो रैंक पर क्लिक करते तो इनका जो है कि इनका रिजल्ट शो कर दिया है, और यहाँ पर जाकर के प्रिंट भी कर सकते हैं। आप अपना देख सकते हैं कैटेगरी वाइज में आपका कितना रैंक आया हुआ है, कैटेगरी वाइज कितना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पैरामेडिकल बोला कि रैंक, देखिए फिलहाल अपना कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा रैंक कितना आया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यहाँ पर प्रिंट बटन करके क्लिक करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं, इनका नाम वगैरह जो भी नाम होगा यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप अपना रिजल्ट को देखें और अपने भविष्य के लिए इसे संभाल कर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।